देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक अलग टाइप है, इट्स अनलाइक वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें dx के साथ x और dy के साथ y वाली टर्म्स सेपरेट हो जाती थी। फिर उसके बाद आपने होमोजीनियस करे थे, जिसमें डिग्री सेम होती थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, बट फिर भी क्या है उसको सॉल्व करने के लिए हमें या तो y अपॉन x या x अपॉन y का यूज करना पड़ता था। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इनको सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। नहीं, ये समझ में नहीं आएगा कि किसी बच्चे ने सारा नहीं किया है, बट फिर भी नहीं, कोशिश कर सकता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आ सकता है ये समझ में। देखिए होता क्या है कि अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल है हमारे सामने ये, और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट रहता है वो ये रहता है कि dy बाई dx के इक्वल टू में क्वेश्चन को ले आए। अब अगर हम इसमें ऐसा करेंगे तो y cot x को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा, और फिर हम कोशिश करेंगे कि dy के साथ y वाली ही टर्म्स हो बस, और dx के साथ जस्ट x वाली टर्म्स हो, बट ऐसा नहीं हो पाएगा, और होमोजीनियस टाइप भी ये नहीं बनेगा। तो जब होमोजीनियस भी ना बन रहा हो और आपका वेरिएबल सेपरेबल भी ना बन रहा हो, तो क्वेश्चंस को देखने का तरीका क्या है वो सबसे पहले आपको समझना होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वहां तो ऐसा लिखा हुआ आएगा नहीं कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप है, या एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन है, 9.5 का है, या 9.3 का है। तो वहां पे इस चैप्टर में इश्यू यही आता है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि टाइप कौन सा है। सो टाइप पता चल जाए उसके बाद तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एक तो जो मेरी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप है लीनियर, वो सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल, और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि एक टाइप और कम हुआ, और टाइप कम होने की वजह से कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाता है। डीएक्स ओवर डीवाई हटाया, बिल्कुल यही है, सेकंड टाइप जो है वो हटा दिया गया है, तो ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम समझें तो कैसे इस चीज को हम समझाएं। हाँ, ये सेकंड टाइप हटा दिया गया है, ये टाइप हटाया गया है, ये टाइप अभी भी आपके सिलेबस में है। तो हम कैसे पहचानते हैं इन क्वेश्चंस को, देखो इन क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह का होने का मतलब ये है कि आपके पास तीन टाइप की टर्म्स होती हैं। एक होती है dy बाई dx होता है, एक y वाली टर्म्स होती हैं, और एक नॉन y वाली, इनमें y नहीं होता। तो मैं सिर्फ दूसरे वर्ड्स में ये बोलता हूँ कि dy बाई dx तो आपके पास है ही, उसके बाद y एक ही जगह होगा और वन पावर में होगा। दिस वन पावर डिनोट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये y वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, आप चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, ये y एक ही जगह सिंगल पावर में है, बाकी ना यहाँ पर y है, ना यहाँ पर y है, ना इसके साथ y है। सेकेंड क्वेश्चन में आओ, देखो फिर से y एक ही जगह सिंगल पावर में है, ना यहाँ पर वाई है, ना यहाँ पर वाई है। थर्ड में आओ तो वाई एक ही जगह सिंगल पावर में है, ना यहाँ पर वाई है, ना यहाँ पर वाई है। फोर्थ क्वेश्चन में भी वाई एक ही जगह सिंगल पावर में है, ना यहाँ पर वाई है, ना यहाँ पर वाई है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी वाई एक ही जगह सिंगल पावर में है, ना यहाँ पर वाई है, ना यहाँ पर वाई है। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, उसमें क्या होता था, सेम चीज होती थी बट एक्स के लिए, उनमें एक्स एक ही जगह होता था और सिंगल पावर में होता था, बट क्योंकि वो है नहीं तो इसलिए हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अभी आपकी बात को सुनते हैं तुषार, अगर डीवाई बाई एक्स सेकेंड ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही टाइप है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 100-150 टाइप होते हैं, आपके सिलेबस में जो टाइप है हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं। श्लोक गुप्ता जी सिलेबस भेज रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, बट क्या है अभी हमें जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि अभी अर्णव ने क्लियर कर दिया है।
बिल्कुल कि सेकंड वाला टाइप नहीं है, मुझे भी ऐसा ही याद था। देखिए बिल्कुल, क्यू में क्या होता है, जो क्यू है उसमें एक्स की कोई भी टर्म हो सकती है, वाई वाई पर फोकस करना है, वाई एक ही जगह सिंगल पावर में होना चाहिए, बाकी दुनिया में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दिस क्लियर? नहीं सर, आज पेपर हुआ है। अच्छा पेपर शेयर कराया आपने, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल देखेंगे आपका पेपर भी, डेफिनेटली देखेंगे हम आपका पेपर क्या हुआ है। क्लियर हुई है बात, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चंस में, सिंगल टर्म में ही नहीं है तो पहले दो मेथड्स होगा। देखिए अगर सिंगल टर्म में नहीं है तो कॉमन लेके सिंगल टर्म बनाओ। और बच्चों एक बात और भी है, आप ये देखो dy बाई dx अकेला और तनहा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ dy बाई dx अकेला नहीं है, सो इसे अकेला बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे सबको, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। आप देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, एक dy बाई dx वाली, एक y वाली, और इसे बोलेंगे हम बिना y वाली राइट हैंड साइड में। कंपेयर करके देखो, अगर हम कंपेयर करें दिस इज dy बाई dx वाली टर्म, एक से ज्यादा मेथड अप्लाई होंगे ही नहीं, फिर भी जो आपको छोटा लगता है इजी लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रेफरेंस रहेगी सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल की, सेकंड प्रेफरेंस रहेगी होमोजीनियस की, और थर्ड प्रेफरेंस रहेगी लीनियर की। सो लीनियर लास्ट प्रेफरेंस होती है हमारी। आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये dy बाई dx वाली टर्म, ये py वाली टर्म, और ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड में दिस विल बी नोन एज q वाली टर्म। आप फोर्थ क्वेश्चन में जाइए, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास में ये x है, सो पहले तो x से डिवाइड कर देंगे, पहले तो x से डिवाइड कर देंगे, अभी अभी सुनते हैं सारी बात, पहले x से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद चेक करो, आपके पास एक dy बाई dx है, एक y वाली टर्म है, और एक आपके पास बिना y वाली, आई एम टेलिंग यू बिना y वाली। सर q तो कॉन्स्टेंट था बट q की जगह साइन 2x दिया है, q कॉन्स्टेंट नहीं है ठीक है, और भी तो लिखा है बच्चे, q कॉन्स्टेंट नहीं है, मैंने कहा है बिना y वाली टर्म, आप चेक करो यहाँ क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ y ज्यादा आसान है इसके लिए सोचना, हम कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स ना सोच के हम ये सोचेंगे कि ये बिना वाई वाली टर्म है, क्यू विल बी बिना वाई वाली टर्म। इज दैट ओके और नॉट ओके? इन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हम देखें यहाँ पे, ओहो हम देखते हैं, तो ये देखिए डीवाई बाई डीएक्स आएगा, फिर देखें ये आपका y वाली टर्म है और ये बिना y वाली टर्म है, बट इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको x log x से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल x log x से डिवाइड कर देंगे, सत्य वचन है पुष्कल आपके, हम x log x से डिवाइड कर देंगे। तो आपको फॉर्मेट बनाना है, क्या आपको लग पा रहा है कि आप ये फॉर्मेट बना पाएंगे या नहीं, मुझे बताएं सभी लोग। हाँ ये सिंपल ही है, श्योर है। एक बात याद रखो, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के सब कुछ सिंपल है। हाँ स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट लगता है, फॉर्मेट बना के क्या होगा, अरे मुकुल दुशासन फॉर्मेट बना के क्वेश्चन होगा, अभी जितना बताया उसे देखो क्या फॉर्मेट आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, जितना बताया जाता है बस उतना उतना करते रहा करो आप लोग, उसका यस नो पूछा जा रहा है तो उसका यस नो बताओ, बन जाएगा यस और नो, बस इतना ही सोचना होता है, बाकी मैं अपने आप करा दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं बीच क्वेश्चन से छोड़ के भाग जाऊंगा लॉग आउट करके, है ना। सो रिलैक्स रहा करो, भरोसा रखो। जी आप लोग इस फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो जो कुछ भी बाई के साथ होता है दैट इज नोन एज P, एंड दिस P इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम की चीज है बहुत ज्यादा।
आशुचि नहीं आई बच्चे? हाँ जी, ये बहुत काम की चीज है। अनुभव, अर्णव, आर्यन, अच्छा ठीक है ठीक है। चवि, चिराग, दीपांशी, देव, दिशा। वेरी गुड, वरुण शर्मा, ठीक है, शाबाश जी। तो क्या आप लोग, जैसे एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू कॉट एक्स है, इज दिस क्लियर और नॉट, बताएंगे? बहुत बढ़िया। इन थर्ड क्वेश्चन -3 और कॉट एक्स पी की वैल्यू होगी, क्लियर? मुझे सब बच्चों से पी चाहिए, मुझे सेकंड क्वेश्चन का पी बताओ, मुझे फोर्थ क्वेश्चन का पी बताओ, मुझे फिफ्थ क्वेश्चन का पी बताओ। ओके अर्णव, राइट, करेक्ट। अनुभव बिल्कुल गलत, अनुभव बिल्कुल गलत, चौदह गलत सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का गलत। हाँ पुष्कल सही, पाठ सही, प्रीति गलत सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मुकुल करेक्ट, गलत है चिराग। अब आप चेक कर लो जिस जिसने भी अपने आंसर बताए। देखो पी की वैल्यू निकालने के लिए डीवाई बाई डीएक्स का अकेला होना जरूरी है, पी की वैल्यू निकालने के लिए डीवाई बाई डीएक्स का अकेला होना जरूरी था, अकेला होना जरूरी था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x² - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी जो आएगी 2x / x² - 1। समझ में आई बात? हाफ एली तो आ रहा है अनुभव, तैयारी देखो हाफ एली वाली है कि यूटी वाली है। चलिए जी, पहला स्टेप है, क्या आप लोग पी निकाल पाएंगे या नहीं? सब बच्चे अब अपने एक-एक पेज पे एक क्वेश्चन लिखेंगे और मैं आपको, जी ये आप ये क्वेश्चन नोट करिए और इसका पी लिख लीजिए साइड में, बस आपको पी लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। सब बच्चे अपना पी निकाल के रख लें और पूरा पेज छोड़ दीजिएगा, उसके आगे हम बताएंगे बाद में भी, लेकिन सभी बच्चे पहले पी निकालेंगे। निकाल सकते हो या नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप लोग साइड में यहाँ पर पहले x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 2/x। फिर सभी बच्चे पी का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, कर सकते हो या नहीं खुद चेक कर लो। ये छोटी छोटी चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या आप 12th में पास होंगे या नहीं। फिर जो कुछ भी आया है इसे आप ई की पावर में लिखेंगे। सो ई की पावर में आ गया 2 log x। सी की कोई टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक है बच्चे, प्रॉपर इंडेफिनिट नहीं हो रहा है। यहां से हम कुछ कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा टेंशन मत लो, मोड वोड की कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक बेसिक चलते रहो, काम हो जाएगा। बस ये बताओ यहां तक का प्रोसेस किसको टेंशन दे रहा है, किसको टेंशन दे रहा है यहां तक का प्रोसेस? ओके अच्छा, बस मुझे ये निकालना है, पी का इंटीग्रेशन को ई के पावर में लिख लेंगे और इसको बोलेंगे हम IFF, नहीं होता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। सभी बच्चे अपने रजिस्टर में एक पेज पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करोगे बच्चों? कंपेयर करने के लिए है हमारे पास
कौन है, कंपेयर करने के लिए है, नहीं खत्म नहीं है, शुरू हो रहा है, शौर्य खत्म नहीं है, अभी शुरू हुआ है। 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। सो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले आईएएस निकालें। मैं तो उससे पहले कहता हूँ, सबसे पहले इसे पहचाने, होता है ना पहचान कौन, तो ये पहचान कौन कैटेगरी है यहाँ पर आपकी। हाँ, तो इस टाइप को पहचानना है। टाइप को पहचानने के बाद आपको चेक करना है कि क्या आपके पास 3 टाइप की टर्म्स हैं, एक डेरिवेटिव है, एक वाई वाली टर्म्स है और एक नॉन वाई वाली टर्म्स है। यहां से तुरंत आप पी की वैल्यू निकालेंगे। आपने पी निकाला, पी का इंटीग्रेशन करा, उसे ई की पावर में रखा, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आप सब लोग ये कर पाएंगे या नहीं, किसी को प्रॉब्लम है या नहीं, हो पाएगा या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो ये है आपकी वो चीज या वो जगह जहां से आपने पी की वैल्यू निकाली थी। अभी मैंने जो बताया है उसे देखो। ये आपका एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन आया था, ई से लॉग खत्म हो गया था, तो फाइनल आंसर में एक्स स्क्वायर आया। दिस इज आई एफ। जहां से आपने, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जहां से आपने पी की वैल्यू निकाली थी, जहां से आपने पी की वैल्यू निकाली थी वहां पर आई एफ की मल्टीप्लाई कर दो। सुनो ध्यान से, वहां पर किसकी मल्टीप्लाई कर दो? आई एफ की मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो या नहीं? जहां से आपने पी की वैल्यू निकाली थी, दैट इज इक्वेशन 1, वहां आई एफ की मल्टीप्लाई कर दो एंड दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके सामने अभी एक स्कीम आने वाली है। सोच समझ के सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। आपका समय शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा क्योंकि आप पहचान गए थे यहाँ पे वाई की पावर 1 और ए की जगह पर है, तो आप समझ गए थे ये पी वाई वाला टाइप है। यहां से आपने पी की वैल्यू निकाली, अरे सुनते रहो अभी सब मिल जाएगा। आपने यहाँ पे पी की वैल्यू निकाली, उसका इंटीग्रेशन करा, उसे ई की पावर में रखा, दिस इज नोन एज आई एफ। और जो आई एफ था उसकी मल्टीप्लाई कहाँ करी? जहां से पी की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आपने पी की मल्टीप्लाई करी, पी कौन है? एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, आपने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, आपने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी और दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया। डीएक्स यहां से आ गया बच्चे, टेकिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ जल्दी से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यही बता दो। और यहां से आपका अभी टेस्ट स्टार्ट होता है, आपसे एक बात पूछी जाने वाली है। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किस साइड हैं। आई एफ की मल्टीप्लाई करी, यस चिराग बेटा, जो आई एफ आया था उसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी, तो डीवाई बाई डी एक्स में भी करी और 2/x में करी और एक्स स्क्वायर में भी करी। सर एक्स स्क्वायर कैसे आया? ई से लॉग खत्म हो गया, ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर चुके थे तो एक्स स्क्वायर आया। ये 2 पावर वापस चली गई तो एक्स की पावर बन गई।
सर पर ये प्रोसीजर तो रटने वाली बात हो गई, अभी सब समझा देंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा रट भी लिया करो। एक बार बताओ तुमने काउंटिंग पहले सीखी है? काउंटिंग कैसे बनी, क्यों बनी, ये 10 ही क्यों बनी? आप बता पाए आज तक कि काउंटिंग जो आप लोग यूज करते हो वो 10 ही क्यों है? क्यों 1 का मार्क गोल सा घुमा के होता है? क्यों आपका 8 का डिजाइन ऐसा ही होता है? क्या आपको उनके लॉजिक पता है या उनकी फंक्शनिंग पता है? सभी पहले करना सीखेंगे या आप गाड़ी बनाना पहले सीखोगे कि चलाना पहले सीखोगे? विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ? गाड़ी का ये पार्ट कैसे बना, इसमें कौन सी मेटल किस टेम्परेचर पे डाल के बनी, इसका ये पार्ट ऐसे ही क्यों बनाया गया, वो सीखा जाए या पहले चलाना सीखा जाए? आ गए समझ में? शाबाश, बहुत जल्दी समझते हो तुम लोग बातों को। शायद ये ब्रैकेट वाला पार्ट X³ नहीं होगा है? नहीं, ऐसा नहीं, अभी बताते हैं। हाँ जी, हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर सारे क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो होगा कि आपको पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर में रखना है, जो आएगा उसकी 1 में मल्टीप्लाई कर देनी है, और फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। क्या ये प्रोसीजर क्लियर है? क्या ये प्रोसीजर नोट किया जा सकता है? क्या ये प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है? सारे क्वेश्चन में सेम, सारे क्वेश्चंस में कॉपी बिल्कुल। X³ dx समझ में नहीं आया? ऐसा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से तो X³ हुआ, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड की वजह से इंटीग्रेशन आया। हाँ जी, अभी समझ में आई बात या नहीं आई? जय गुप्ता जी, क्या ये प्रोसीजर आप फॉलो कर लेंगे? सर ऐसा है तो फिर बढ़िया हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉपी यही रहेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम, सब में यही होने वाला है। एक क्वेश्चन समझ में आया, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। मैं फिर से बताता हूं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में पी की वैल्यू, पी की वैल्यू के बाद में पी का इंटीग्रेशन, पी के इंटीग्रेशन के बाद में उसे ई की पावर में रखेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे IF की हम फर्स्ट इक्वेशन में, और फिर करेंगे दोनों साइड का इंटीग्रेशन। सो यू हैव फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। किसी बच्चे को किसी स्टेप में भी इशू है तो मुझे बता दे अभी। डन है? चलो जी, अब मुझे ये बताओ, आपके पास दो चॉइस है सारे क्वेश्चंस में, लेफ्ट का इंटीग्रेशन और राइट का इंटीग्रेशन। अब दो इंटीग्रेशन करने हैं तो एक इंटीग्रेशन मैं करता रहूंगा, एक इंटीग्रेशन आप करते रहना। तो बताओ कि आप लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन करना पसंद करोगे सारे क्वेश्चंस में, या राइट वाला इंटीग्रेशन करना पसंद करोगे? एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, ये फिक्स है। आप ओके, अच्छा, चालाक ये सोचिए, अच्छा, अर्णव शाबाश, ठीक है। तो अभी अच्छा, 5 ठीक है बेटा, ठीक है मानसी। तो देखो भाई, कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, मेजोरिटी कहती है राइट वाला करेंगे, और निग्रह कह रहे सर कोई सा करा लो, हम दोनों कर देंगे। एक दो बच्चों ने और कहा है, सुचि ने भी यही कहा है, बाकी सब मोस्टली राइट वाला कह रहे हैं। तो अब क्या है, राइट वाले जिन्होंने राइट बोला है, मेरे पास चैट रिकॉर्ड होता है सारा रेगुलर, तो राइट वाला करते रहेंगे, लेफ्ट वाला करते रहेंगे। सो मेरे साथ अर्णव और मानसी हैं, ठीक है, ये मेरे साथ लेफ्ट वाला करते रहेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, बाकी सारे बच्चे राइट वाला करेंगे। तो बताओ बच्चों, राइट वाले का कितना आया? राइट वाले का बताओ इंटीग्रेशन कितना आया? तुम्हें करना है ना, मुझे नहीं करना राइट वाला। चलो ठीक है, आपने बता दिया, और प्लस में सी लगा देते हैं कहीं पे भी, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी। और लेफ्ट वाले का इंटीग्रेशन हमेशा होगा वाई इंटू आई एफ, करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट वाले को कभी भी, दिस विल बी ऑलवेज वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ। लेफ्ट वाला कभी करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा वाई इंटू आई एफ आएगा। सो अर्णव और मानसी, मेरी तरफ से आप लोग
लेफ्ट वाला करते रहेंगे, राइट वाला आप लोग करेंगे। हाँ रीजन बताएंगे, ये बात बहुत अच्छी पूछी श्लोक तुमने, रीजन क्या है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट ही लिखेंगे, हमेशा हमेशा डायरेक्ट लिखेंगे। लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन विल बी ऑलवेज वाई इंटू आई, तो राइट वाला आप लोग करते रहेंगे, हम लेफ्ट वाला हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों की चॉइस थी जैसा आपने कहा। इसमें चीटिंग क्या हुई अनुभव, मतलब चॉइस मिली तब भी दिक्कत है, ये बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, है चीटिंग हुई है आपके साथ। आपको खुल्लम खुल्ला ऑफर थी, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, चैट में आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है उन्होंने मान लिया है कि हाँ हम ठीक है उनके साथ है, मेजोरिटी के साथ। चीटिंग हुई कहां से हुई चीटिंग, मुझे ये तो बताओ क्या चीटिंग हुई है इसमें। या तो आप पूछते हैं कि भाई लेफ्ट का कैसे होता है, क्या होता है, और बच्चों ने स्कैम है परेशान थी। अच्छा मैंने धोखा क्या दिया है मुझे ये बताओ, आपने पूछा पहले, आप लोगों ने तुरंत एक सेकंड भी दिलाए, बोले हम राइट वाला करेंगे, तब तो बड़े चतुर बन रहे थे तुम। सुनो भाई श्लोक का रीजन सुनो, श्लोक पूछ रहे हैं सर कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, मेरे लाल श्लोक ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो वाई का डिफरेंशिएशन करा एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा टू एक्स वाई एज इट इज। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो। प्रोडक्ट रूल रिवर्स यूज करा गया है, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट रूल को रिवर्स में हमने यूज करा है। निग्रह बढ़िया लगा ये रिवर्स यूज, देखो कि क्यों होता है। और लास्ट में लगा दो सी, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रोसीजर नोट कर लीजिएगा सब बच्चे, अगले क्वेश्चन में करवाएंगे। राइट का इंटीग्रेशन आप करते रहिएगा। इस क्वेश्चन में कितने राज छुपे हुए, शौर्य ये वही वाली बात होगी जो अभी पांच पूछ रहे थे सर क्यों होता है। सो क्यों वाला है, इंटीग्रेशन के साथ डीएक्स था तो वाई के इंटीग्रेशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा, कुछ नहीं। सुनो सी मतलब जस्ट फॉर जस्ट अट्रीब्यूट टू कॉन्स्टेंट ओनली, जो डिस्ट्रॉय हो गए थे खत्म हो गए थे इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो सी इधर लगाओ उधर लगाओ, लॉग सी लगाओ लॉग पी लगाओ, जो मर्जी लगाओ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के भी रेस्पेक्ट में हुआ होता तो कांस्टेंट का तो जीरो ही हुआ होता ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। राइट तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एज पर योर प्रॉमिस एंड कमिटमेंट राइट साइड का इंटीग्रेशन आप करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे, मुझे कोई मतलब अब नहीं है तुम लोगों से। सो अगर कंपेयर करा जाए अपने स्टैंडर्ड वाले टाइप से, तो p की वैल्यू आई माइनस वन, इंटीग्रेशन किया माइनस वन का, आ गया माइनस एक्स, और if होगा e रेस टू पावर में माइनस एक्स। यहां से हमने p की वैल्यू निकाली है, सो लेफ्ट साइड का, तो राइट साइड में इसकी मल्टीप्लाई करी और करेंगे इसका इंटीग्रेशन, और लेफ्ट साइड में आएगा y इंटू आई एफ, और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो चुका है। राइट वाले करते रहो अपने आप जो तुम्हें करना है, लेफ्ट वाला हमेशा ऐसे ही आएगा, हमेशा ऐसे ही आएगा। आईलेट लगा दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अलग से भी करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये डबल आई आईलेट वाला क्वेश्चन है, ये आई बनेगा इसको दोबारा से। सो इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से स्टार्ट करो। सो आई इक्वल टू, वैसे मेरा बनता तो नहीं है करने का कोई अब फर्ज, बट फिर भी चलो ये फर्स्ट होगा
ये सेकंड होगा। क्वेश्चन में अगर क्यू के साथ वाई हो मल्टीप्लाई, तब ये वाई मेथड फेल हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल फेल हो जाएगा। फर्स्ट लिखा क्यू मतलब वाई नहीं, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सॉरी सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का होल इंटीग्रेशन। इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे तो। फिर फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, हाँ बस हो जाएगा। ठीक है, अरे जो आ रहा है कर लेना, राइट। ये माइनस लगा हुआ है बेटा, ये ना माइनस, ये लगा हुआ है माइनस। अब इसका कर लेना इंटीग्रेशन अपने आप, इतना इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए। मैं अब नहीं बताऊंगा, हाँ जी चलो ये वाला करो, गो फॉर इट, 20 सेकंड। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अरे ये तो करना ही नहीं है, सुनो सुनो, ये नहीं करना भाई, क्योंकि ये कौन सा टाइप है, dx ओवर dy, ये तो करना ही नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। अच्छा ये बताओ, अभी भी किस किस को दिक्कत है इस मेथड में? मैं सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको एक बार। सो हमने देखा y एक ही जगह सिंगल पावर में है, और इसे हमने, तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आई, इंटीग्रेशन करा और e की पावर में लिखा, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई करी दोनों साइड, और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, y इंटू आई एफ, और राइट साइड में क्या आया, e आ गया, और आंसर आ गया हाँ जी। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ। नहीं, 6 मार्क्स से लेकर, सर जनरल सर राइट वाला है या लेफ्ट वाला? आंसर राइट वाला नहीं, ये पूरा आंसर है, कंप्लीट इक्वेशन जो है वो आंसर होती है। 6 मार्क्स का तो नहीं है ये, तो 4 में ही आएगा बच्चे।
आंसर बेटा चेक कर लो लास्ट वाले का, पता नहीं उसमें से देखो आप। इसे कंप्लीट करते ही इस चैप्टर को हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, थोड़े एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। E3X को दूसरी साइड ले जाना है, ले जाओ मत ले जाओ डजेंट मैटर, ये आपका आंसर है। फोर में पी कैसे आया, फोर में पी कैसे आएगा, ये बेटा सुनो, ये एक्चुअली ना बहुत सही, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है, ये वाई डॉट में है, एनसीईआरटी की मिस प्रिंटिंग है ये इस तरह से है, वाई सेक एक्स है ये। बहुत बड़ी मिस्टेक है, डेफिनेटली बहुत बड़ी मिस्टेक है, बट नई प्रिंट में ये सही हो गई है, अब जो लेटेस्ट बुक आ रही है उसके अंदर ये सही है। सो फोर्थ क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट प्रॉब्लम आती तो बताइए जो। कोई इंटरवल का कोई काम नहीं है, रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री रहो। हाँ प्लस माइनस का चक्कर रहता है जो इंटरवल होते हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं है, बाकी आप इसके बिना आराम से करते रहे। बहुत बढ़िया, फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिनका फोर्थ हो गया फिफ्थ अटेम्प्ट करो, नहीं होता है मुझे बताओ।
में एक बार आईएफ के बाद बता दो। तो देखो सबसे पहले आपने आईएफ निकाला होगा तो वो आया होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद है यही होता है या नहीं? तो ये आ गया आपके पास आई एफ। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन होता है वाई इंटू आई एफ। और राइट साइड में आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। वैसे तो राइट साइड का आपको करना होता है और टेन स्क्वायर आया जिसे लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो कि इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं। डन, ठीक है जी। फिफ्थ वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये देखो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा वाई सेक्स स्क्वायर, फिर ये पी बन जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे टेन एक्स आ जाएगा, ई की पावर टेन एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी में कौन सा 9.6 का फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा? आप तो एक्सरसाइज भी मेंशन कर रखी है, वही होगा नहीं है? नहीं होगा फिर, पता नहीं बेटा।
चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन बता देते हैं कि बाकी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा। व्हाट्सएप पे मंगाऊं मैं सॉल्यूशन इनसे भी? ओके अर्णव, ठीक है। मुकुल, दो बच्चों ने क्या है, बाकी बताओ। और पी की वैल्यू आ गई सेक्स स्क्वायर, पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? और आई एफ क्या होता है? ई की पावर में, तो हमारा ये है वन, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया y इंटू आई एफ, और राइट साइड में e रेस्ट पावर टेन एक्स है, फिर टेन एक्स है और sec स्क्वायर x है, तो टेन एक्स को t माना तो ये हो गया बाकी dt। अब फर्स्ट सेकंड करके कर लो, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। किसी को भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे जरूर बताओ। क्लियर है? ठीक है, गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको अभी। देखो ये जितना आप पेन चलाओगे सर, डीटी सारा डीटी तो लगा लो तो। सर आप कुछ ई की पावर में पुट कर देंगे? हाँ बिल्कुल, जो भी है ई की पावर में पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म है आपका। लीजिए जी, सिक्स क्वेश्चन करो, मतलब फुल प्रैक्टिस कर दो, फुल ऑन, एक क्वेश्चन 100% आना है, चाहे बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सेवन क्वेश्चन में हमारे पास है dy by dx, फिर आया y के अकाउंट में x log x इक्वल टू में आया 2 log x अपॉन x log x, कंपेयर किया
तो p की वैल्यू आई 1 अपॉन x log x. इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, log x को t लिया तो 1 अपॉन x dx dt हो गया, जिससे ये आपका log t आ गया, जिससे ये आपका log log x आ गया. IEF क्या होता है? अच्छा 2 अपॉन x है, कोई बात नहीं 2 ले लेंगे, तो ये 2 log t आ गया. IEF होता है e की पावर में ठीक है जी 2 चला गया पावर में, तो बन गया e आर एच एस में एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करा. ओके अच्छा ठीक है, राइट 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 राइट, लेट मी करेक्ट इट, एक मिनट. सही कर लेते हैं, 2 लॉग एक्स है, एक्स है, एक्स है और लॉग एक्स है. लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, यहां से आया हमारे पास लॉग एक्स को टी माना था और 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपका, ये 2 तो नहीं था, ये तो आपका सिंपली वाई ही था, कहीं से नहीं आया, 2 गलती से लिख दिया था बच्चे. मैं दोबारा से लिख देता हूं आपके सामने, एक बार प्रॉपरली देख लीजिए. ठीक है, p की वैल्यू हो गई 1 अपॉन x log x. log x को t लिया तो 1 अपॉन x dx आपका dt हो गया. जिससे कि आपका log t आ गया. IEF क्या होता है? e रेस्ट टू पावर में p dx. तो ये बन गया e रेस्ट टू पावर में log t, जिससे आ गया जस्ट t, और t हमने माना था log x को. अब जहां से IEF निकाला था, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो हो गया y इंटू IEF, और राइट साइड में हमें 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है और log x है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो log x फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा. फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन. अब हो जाएगा, हाँ जी समझ में आ गया. बहुत बढ़िया पुष्कर,
टू अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ लॉग एक्स क्यों आया? आईएफ की मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं इसलिए आया, ये देख रहे हो आईएफ की मल्टीप्लाई इसलिए आया। Is this okay? चलिए एक क्वेश्चन की डिमांड आ रही है, जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ ना उसी की डिमांड ज्यादा आती है, बट ये वाली डिमांड जायज है। सबको पहले dx से डिवाइड कर दो, सबको पहले dx से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा dy by dx, और राइट साइड में आ जाएगा cot x। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, मुकुल छवि एंड बाकी बच्चे बताओ इज दिस ओके और नॉट ओके? वाई रह गया, ओके वाई रह गया और वाई आ गया, स्टार्ट हुआ बट एंड नहीं हुआ, ओके देखते हैं। तो ये आपके पास P की वैल्यू आ गई, तो P इक्वल टू आ गया इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसका बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल क्यों है? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप T मानते हो तो 2x dx dt है। सत्य वचन श्रुति बेटा, आजकल आईपीएल में कुछ ज्यादा ही मजे लिए जा रहे होंगे वैसे तो बच्चों के द्वारा, उम्मीद है मुझे। ओहो पेपर चल रहे हैं, चलिए जी इसे ई की पावर में ले लेंगे तो बन जाएगा आपका आईएफ। तो आपका जो आईएफ आया वो आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे इस साल काफी खतरनाक आ रहा है बट हम लोग क्लास लेते रहते हैं इसलिए पता नहीं चलता। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई इंटू आई एफ, और राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी 1 प्लस एक्स। कौन कह रहा था बच्चा अभी कि इसका एंड नहीं हुआ? मुझे लग रहा है ये अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है अगर देखा जाए तो। इसमें कुछ मुश्किल था ही नहीं है, ये कौन कह रहा था एंड नहीं हो रहा है? चिराग का ही, चिराग गुप्ता मेरे लाल, ऐसा करोगे अब तुम क्वेश्चंस करवाने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढते हो। इसमें मुश्किल था क्या मुझे ये बताओ आप? भाई चैप्टर एंड है, एक क्लास और दे देंगे इस पे आपको, चलो बड़े वाले पे।
ओके, 1/6 से डिवाइड नहीं हुआ था तो लेंथी हो गया। यस बेटा, डिवाइड का इशू होगा। सर ये थोड़ा फर्स्ट स्टेप नहीं पता था, राइट? नाइन्थ में पी 1+ कॉट एक्स होगा। ये माइनस प्लस का चेक कर लेना, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, सो अपनी बुक से कन्वर्ट चेक कर लीजिए। कल क्लास है क्या? कल किस बात की क्लास है? अब दोबारा कह रहे हैं कि नवंबर 1 से स्कूल खुलेंगे, ये कहते रहेंगे वो जो भी है, बट हम लोगों को क्या करना है 15 नवंबर के आसपास, 20 नवंबर तक हमें सब, मतलब 30 नवंबर तक डेफिनेटली हमें अपना ये काम कंप्लीट कर लेना है, मतलब चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम लोग। हम लोग ऑनलाइन में ही सारे चैप्टर फिनिश करेंगे। बेटा इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, इज दिस प्लस और माइनस, तो चेक कर लीजिएगा आप। हाँ चैप्टर तो ओवर हो गया, बट एक चीज बची हुई है। चलिए ये हो गया है, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर में एक चीज बची हुई है, वो अभी नहीं हुई है हमारी। वर्ड प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम काफी बता दी है, बट उससे इम्पोर्टेंट भी एक चीज और बची हुई है, उसे मैं आपके सामने लाता हूँ अभी। ये सारी हो गई है, सारे हो गए, 80% तो हमने ऐसे ही कर दिया। हाँ ऐसे ही कर दिया, बट एक वर्ड प्रॉब्लम बची हुई है, उसमें बताता हूँ। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आपका। देखिए जी बच्चों आराम से समझिए, क्वेश्चन है कि एक कर्व है जो 0-1 से पास हो रहा है, तो इसकी जरूरत तो हमें बाद में पड़ेगी, 0-1 से बाद होने की। ये कौन है? ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या चीज होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा होता है dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, ओके, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। आप चेक करो x y एक ही जगह सिंगल पावर में है। तुषार राणा जी आप ये देखिए, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है या आसान? वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी होती है, याद रखना। वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो बताशे बांट सकते हैं आप क्लास में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में पहली लाइन के बाद क्वेश्चन की कैलकुलेशन वगैरह सब बहुत इजी होती है। तो यहां से देखिए py के बेस पर p की वैल्यू आई माइनस का x, मतलब इक्वेशन तो डेवलप करनी है, बस इक्वेशन ही डेवलप करनी है। यस सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। हाँ देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है हमेशा dy/dx इज टू द कर्व, कर्व वगैरह तो सब होती है, इज इक्वल टू बच्चे कहते हैं ना इज इक्वल टू x एंड देखो सम करना है किस किस का, x का और x इंटू वाई का, बस साफ लिखा हुआ है, हो गई इक्वेशन खत्म। रेट ऑफ चेंज लिखकर भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज जो भी हमने एओडी में पढ़ा हुआ है उनमें से कोई भी टर्म पूछ सकते हैं। मैं और देखता हूँ अगर कोई और होती है तो। एक वर्ड प्रॉब्लम और देखते हैं, नहीं यहाँ कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई नहीं है और कोई वर्ड प्रॉब्लम, ये लो एक और आगे वर्ड प्रॉब्लम। कहते हैं देखो चिराग बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। So, आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे, एनी डिफिकल्टी? एक्सरसाइज फिनिश हो रही है आपकी? ये किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। लो एक और, हाँ वैल्यूज तो लास्ट में एक्स वाई की पुट कर ही देंगे। यहाँ देखते हैं
इक्वेशन ऑफ कर्व, ये एक्स और वाई की वैल्यू है जो सी को निकालने में काम आती है। इन्हें छोड़ो, पहले आप देखो, गिवन दैट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय 5, इज दिस ओके और नॉट ओके? हाँ जी बताओ सब बच्चे, कोई परेशानी? वर्ड प्रॉब्लम की बात आई थी अभी अभी हमारे सामने। अब मैं इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक नया टाइप बता दूं, एक नया मेथड बता दूं। चलो जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा एक चीज, सुनो बच्चों, जब और एक्स और वाई दोनों ही 1-1 पावर में होते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड और होता है जो अलाउड है, जो अलाउड है उसे सुनिए, ध्यान से सुनने का। ये नया टाइप बता रहा हूं मैं आपको, और ये अलाउड है और ये ठीक है, अच्छा तो नहीं कहेंगे ज्यादा। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू हो गया dv by dx। तो यहां से देखिए, ये पूरा का पूरा v बन गया और ये आ गया आपका dv by dx माइनस 1, तो v प्लस 1 इक्वल टू आ गया dv by dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब x और y की पावर 1-1 होती हैं और वो एक साइड में इकट्ठे हो सकते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। मैं आपको और एग्जांपल दिखा दूंगा अभी, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बिना लीनियर के इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइप से हो सकता है तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए वेरिएबल सेपरेबल, और यहां मैंने वेरिएबल सेपरेबल से ये क्वेश्चन लगभग कर दिया है, लगभग आपके सामने ये क्वेश्चन कर दिया है। ऐसी बातें हम लास्ट के 15 मिनट में ही बताते हैं हमेशा। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ बच्चों। कैसा है ये टाइप? फर्स्ट रो की लास्ट लाइन समझ में नहीं आई, फर्स्ट रो की लास्ट लाइन ओके, ये मेरी भी समझ में नहीं आई। अब समझ में आ गई बेटा, देखना। हाँ ये ठीक है। अब आप देखो, जो एक्स सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ये बताया कि अगर होता है तो प्रिफरेंस देते हैं हम लोग इसको, x की जगह 0 लिख दो, v लेट किया था इसलिए ना सर, वो तो डिवाइड x को v लेट किया था इसलिए ना, लास्ट लाइन में dy by dx की वैल्यू निकाली तो dv by dx माइनस 1 आ गई। ठीक है, चिराग सही करा हुआ है। देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, 2 - 5, y की वैल्यू 2 है तो ये आ गया माइनस का 3, सो c की वैल्यू आ गई -log 3, फिनिश। log में -6 आना चाहिए, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, नहीं नहीं -3, 3 ठीक है, 3 ही ठीक है, सही आ रही बेटा। ये माइनस है, मोड की वजह से प्लस हो गई, काम खत्म हो गया। मुकुल 4 क्यों आ रही है? सही है, हाँ जी। ये बस जो पॉइंट दिया होता है, ये सी की वैल्यू के लिए आता है, वी प्लस 1 है। ओ सही बात भाई, वाह
ये तो ध्यान ही दिया हमें से किसी ने, v प्लस वन है, v प्लस वन है, अब आएगी फोर, फोर हो जाएगा। ठीक है जी मुकुल बाबू, धन्यवाद। वट एवर, हाँ नहीं सही है सही है, बच्चे बड़े अटेंटिव रहते हैं। अच्छा अभी ये क्वेश्चन देखोगे जरा, इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आते हैं जरा इसे समझ लो। देखो सुन लो ध्यान से, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये लीनियर में ही रिप्रेजेंट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, बट ये कब अप्लाई हो सकता था, यहां वी वाला मेथड अप्लाई हो सकता था। नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, वी से करना, एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टेंथ क्वेश्चन वी से हो सकता है, नोट कर लीजिए, करके देखिएगा, आपको करना है ये। राइट right. ठीक है नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं और दिखाते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन, और आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिला। आप देखो मैं आपको होमोजिनियस में ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ, वहां भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल टाइप है जो कहीं पर भी अप्लाई हो जाता है। यस ये नोट करिएगा, ये क्वेश्चन लिख लेना, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा ये, इसे आप नोट कर लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन बी वी से हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई की पावर वन वन है, लीनियर है, तो लीनियर में भी एक सुपर लीनियर टाइप है जो हमने अलग से ढूंढा हुआ है। डन नोट कर लिया, नहीं सुपर लीनियर एक्सरसाइज में है, हाँ है, मेरी शीट में भी है, ये मेरी शीट का क्वेश्चन है बट ये एक्सरसाइज में भी है, आपको ये मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी दिख जाते हैं, एग्जाम्पल में भी दिख जाते हैं, सो डोंट टेक देम लाइटली, लाइटली नहीं लेगा कोई बच्चा। मैं आपको दिखाता हूं और आप देखिएगा ध्यान से, आपको हम दिखाते हैं, ये आपको एक जगह और दिखेगा, होमोजीनियस में भी आपको ये दिख सकता है। मुझे तो होमोजीनियस नहीं दिख रही इसमें, बट ये होमोजीनियस में भी दिख सकता है। तो आपको एक्स प्लस वाई अगर एक साथ दो जगह दिखे, टू स्टार वाला क्वेश्चन अच्छा था। हाँ देखिए टू स्टार और थ्री स्टार वाले क्वेश्चन अच्छे हैं जो हमने बुकलेट आपके साथ शेयर करी हुई है, आप लोग सब अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जाम चल रहे हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट जिनके एग्जाम ओवर हो चुके हैं उनके लिए क्लियर कट सजेशन है कि मैं बुकलेट आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, उसके स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार सारे क्वेश्चन वन बाय वन चैप्टर्स के, मैं आपको चैप्टर टू से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम रिवर्स में ही स्टार्ट करते हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के देखेंगे,
फिर हम AOI के देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन के, और इस तरीके से हम रिवर्स में चलते चले जाएंगे। आप लोग स्टार, टू स्टार, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन करवाते जाइए। किस ऑर्डर में करें? बिल्कुल रिवर्स से स्टार्ट करेंगे बच्चे हम तुषार। और आप अभी एक चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के स्टार, डबल स्टार क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? आप लोग उन्हें कर लीजिए, डाउट पूछिए, पहले डाउट डिस्कस होंगे, क्योंकि उनमें से मोस्टली करे हुए भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमें सारे ही करवाने।